देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है, भारत के सूरवीरों की गाथा। आज हम अपने देश के जवानों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज आप देख सकते हैं ये हजारीबाग का शहीद स्मारक है और कारगिल दिवस के मौके पर एक्समैन आर्मी यहां पर पहुंचे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस खास दिन पर क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। आपको बता दें ये जो कारगिल शहीद अमर है, अमर है, अमर है, कारगिल शहीद अमर है, अमर है, अमर है, कारगिल शहीद अमर है, अमर है, अमर है। ये भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये देखिए जो आप आवाज सुन रहे हैं ना, ये उन जवानों की आवाज है जो देश की सेवा कर चुके हैं, एक्समैन आर्मी है। आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, कारगिल दिवस जो हम लोग मनाते हैं, जो विजय दिवस मनाते हैं, पाकिस्तान के जो मंसूबे थे 1999 की घटना 3 मई 1999, इसकी पृष्ठभूमि और पहले की है, हम उन बातों में भी नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा पाकिस्तान भारत के मानचित्र को बदल देना चाहता था, सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना चाहता था, लद्दाख के क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाहता था, NH-1 जो है, जो भारत की गर्दन कही जाती है, उस पर कब्जा करके वो पूरा सप्लाई कार्ड देना चाहता था। कहानी बहुत लंबी है और इस लंबी कहानी में 84 दिन का जो युद्ध हुआ था कारगिल का, उसमें आपको बताएं हर दिन कहानियां लिखी गई थी, गाथाएं लिखी गई थी। उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो कारगिल युद्ध में भी थे, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जब हम विजय दिवस मना रहे हैं, और जो आवाज आपको सुनाई दे रही थी ये एक्समैन आर्मी है। सर ये खास मौका है, 24वां साल है विजय दिवस मना रहे हैं, उनकी याद में श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं जो देश की सरहदों पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हैं, क्या कहें? देखिए ये तो सभी को पता ही है कि इस युद्ध में लगभग 500 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे और 1300 से ज्यादा घायल हुए थे, तब कहीं जाकर के आज हम लोगों को ये मनाने को मौका मिल रहा है। इसके लिए बहुत सारे हमारे वीर सपूत कुर्बानी दिए हैं, आज उनकी आत्मा जहां पर भी होगी तो हम लोगों का जो ये कारनामा है वो देख करके जरूर गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। तो मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता से बस यही आग्रह करता हूँ कि शहीदों के प्रति आस्था दिखाएं, शहीदों को सम्मान दें, और शहीदों को अगर सम्मान आप देते हैं तो हमारे सरहद पे जो बैठे जवान हैं उनका मोरल अप होते हैं। तो बाकी बात आप ही के माध्यम से एक और भी बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि पहले भी आपके चैनल ने दिखाया है, यहाँ का जो दशा है उसको देख करके बहुत ही हम पूर्व सैनिक आहत हैं। इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन भी DC महोदया को दिया, लेकिन उस पर 1.5 साल होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जैसा कि शाम में देखने के बाद लगता है कि इधर में तो अंधेरा है, कुछ है ही नहीं, उसी बगल में जो है चकमकाता रहता है, तो ऐसा क्यों? क्यों जो भी हमारे यहाँ पे समाज सेवी प्रतिनिधि हैं उनके अंदर में जरा भी आत्मा नहीं है? आत्मा क्या मर चुका है? बस यही बोलूंगा कि इसके प्रति तत्परता दिखाएं, और बातें तो बहुत बड़े बड़े होते हैं जब एक शहीद सैनिक शहीद होते हैं, क्या वो आस्था जो है वहीं तक तो होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होनी चाहिए, इसको तत्परता दिखाते हुए यहाँ का सुंदरीकरण करें, यहाँ शिलापट ये करें, यहाँ पर के जो सैनिक शहीद हुए हैं इस एरिया के उनका नाम अंकित होनी चाहिए, ताकि हमारे जो युवा हैं वो यहाँ पर आए देखें और कौन से शहीद का क्या योगदान है वो पढ़ने का मौका मिले, और उनका अंदर में भी देशभक्ति की भावना को जागृत हो। ज्यादा नहीं, और भी आपको बताना चाहेंगे, जो ये युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध जो हुआ था, उसमें पाकिस्तानियों के जीतने की जो संभावना थी और जो स्ट्रेटजिकली जो जिस पॉइंट पर वो बैठे थे 99%, यानी भारत के पास कुछ नहीं था, लेकिन वहां एक चूक कर गए थे कि उनको नहीं पता था कि वो भारतीय सेना से लड़ रहे हैं, वो भारतीय जवान से लड़ रहे हैं। क्या मायने रखता है तिरंगा आप लोगों के लिए? जान दे देते हैं, सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। सर बहुत मायने रखता है सर, क्योंकि जब हम सरहद में होते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का हम फेस करते हैं, और जिस तरीके से आज विजय दिवस मनाया जा रहा है सर, उन्होंने जो फतेह हासिल किया है पाकिस्तान के ऊपर, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा गौरवान्वित है और बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम भी जब भी अभी आने वाला वक्त में जब भी ऐसा सिचुएशन होगा तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, और जिस तरीके से दुश्मनों को कारगिल दिवस पे जिस तरीके से दुश्मनों को पीछे पछाड़ा है, उसी तरीके से जब भी वक्त मिले तो ऐसा हम करेंगे सर। वो
300 किलोमीटर का सर वो ट्रेंच है वो कारगिल का जो है, और हर जगह जो पाकिस्तानी थे मुजाहिदीन के वेश में ट्रैक सूट पर कुर्ते पजामे पर, क्योंकि दुनिया को नहीं पता चले कि ये पाकिस्तानी सेना है, इस तरीके से उन्होंने रणनीति बनाई थी, वो भारत ने जीता था। थोड़ा कुछ अगर बता पाएंगे। देखिए वो जो क्षेत्र है एक्चुअली हम लोग का नजर में देखा जाए तो बहुत हाइट में है, और उस जगह पे उन्होंने पहले कब्जा कर रखा था। तो जब हम लोगों को नीचे से पता चला कि वहां पे ठंडी के एरिया में हम लोग डाउन हो जाते थे, पहले के ये था कुछ रूल कि ठंडी में वो भी नीचे आ जाते थे हम भी आ जाते, पर उन्होंने चकमा दिया, हम लोग तो नीचे आ गए और उन्होंने सारे हमारे बैंकर को कवर कर लिए थे। वही समझौता हुआ था कि विंटर में हम लोग दोनों नीचे आ जाएंगे, लेकिन वहां पर उन्होंने विश्वासघात किया जो अक्सर वो करते हैं। तो इस चीज को जब अचानक पता चला और जब वहां पे जो बटालियन थी उन्होंने कवर किया, और कवर करते ही ज्यादा उनके कैजुअल्टी होने लगी, फिर उन्होंने आगे को बढ़ाया इस चीज को, और जब पूरे चर्चा हुई तो हमारी सेना फिर कुछ ना देखते हुए चढ़ी और उनका एक साइड से खपत करने लगी। यही दिन था आज कि हमने विजय प्राप्त कर लिया था वहां से, और आज के दिन हमारे गर्व होती है कि हमारी सेना जो आज वहां दिखाया है वो देखने का योग है, और देखना है आज टूरिस्ट प्लेस बन चुका है कारगिल, जो आज सभी लोग के नजरों में हमेशा दिखाई देता है कि कारगिल कारगिल कारगिल, लेकिन आज एक हजारीबाग क्षेत्र में जहां पे आज हम सेना लोग जुड़े हुए हैं, इस एरिया के अंदर एक बल्ब नहीं जलता है, ना इस चीज को कोई मेंटेनेंस करता है। अगर ये देखा जाए तो इस एरिया में एक उस टाइप का बनाया जाए कि लोग को पता चले कि यहाँ का भी सेना है और कारगिल में शहीद हुआ है, इस चीज को उस नजरिए दिया जाए। एक बगल में पार्क है जहाँ के रात दिन पब्लिक सेक्शन भर रहा था, क्या उस नजर में यहाँ दिया जाए तो लोग यहाँ से आराम से बच्चे घूम के जाएं। आज उनके हमारे लिए नहीं, बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए ये बहुत ही गर्व की बात होगी कि हमारे भी एक जगह था, हमारे पूर्वज थे, हमारे एरिया का थे कि जो आज देश के लिए निछावर किए हुए हैं। इस चीज को थोड़ा सा और तरक्की किया जाए। सर इस बात को लेकर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज हम उस पे नहीं जाएंगे, हम आज अपने देश के जवानों की बात करेंगे और व्यर्थ में समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर क्या चाहिए, फिर भी वो सोए हुए हैं, कुमकर्णी नींद में हैं, उनको हम जगाने की बहुत कोशिश कर चुके हैं। आज हम देश के जवानों की बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं की बात करेंगे, उनकी वीरता की बात करेंगे, शौर्य गाथा की बात करेंगे, फजूल की बात नहीं करेंगे। सर भारतीय सेना के बारे में एक आर्मी मैन है आप, जी हाँ, क्या कहेंगे सर, जो मतलब पहला शब्द क्या आता है? हमारी सेना एक भारतवर्ष का पूरा विश्व में माना जाता है, मतलब कि एक अभिन्न अंग है, ऐसा अंग है कि आज भारतीय सेना का डंका पूरा मतलब वर्ल्ड में बजा हुआ है। जब भी कहीं जाती है, युद्ध हो अभ्यास हो, तो पहले बोले भारतीय सेना आ रही है, कि उनसे कुछ सीखना है, उनसे कुछ हमने आगे कुछ प्राप्त करना है और साथ मिल करके आगे कुछ बढ़ना है। तो हमारी सेना की ये परंपरा रही है, आज हमारी सेना आगे बढ़ती है, ना कि कभी पीछे हटी है। हमारी सेना का लक्ष्य होता है अपना मतलब जो भी है उसको प्राप्त करना और दूसरे के मतलब को छोड़ देना। ठीक है, हम बहुत सारे लोग हैं, हम चाहेंगे कि बहुत संक्षेप में और जल्दी जल्दी बातें रखेंगे ताकि हम जो भी लोग हैं उन तक भी पहुंच पाएं। सर थोड़ा कारगिल के बारे में बता पाएं, कारगिल युद्ध के बारे में बता पाएं, पूरा देश सुनना चाहता होगा, जो नौजवान पीढ़ी है वो सुनना चाहते होगी, उस युद्ध के बारे में अगर बता पाए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हजारीबाग वासियों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए और अपना तिरंगा आन बान शान की रक्षा के लिए हमारा सैनिक यानी हम सभी कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं। कारगिल एक इस तरह से युद्ध था, अघोषित युद्ध था वो, जो गलत तरीके से हमारे ऊपर पाकिस्तान एक हाइट को एक उपाय करके और हमला किया था, जिसे बहुत वीरता के साथ हमारे सैनिक उनको घात लगा के आमने सामने लड़ाई करके और मात दिए, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए, जिसके लिए आज हमारे लिए गम का विषय है और हम सभी यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हैं। आज साथ ही हमारे लिए गर्व की विषय है कि ऐसे देश जो गुमराह करके गलत तरीके से हमारे यहाँ करता है, कोई भी दुश्मन तुमको हम बहुत तरीके से चना चबाते हैं उसको, और उनका छाती में तलवार भोंकने का काम करते हैं। हमारा कारगिल एक बहुत ही दुर्गम स्थान है, पहाड़ी एरिया है, जहां पे बर्फ के समय में रहना बड़ा मुश्किल होता है। उस दुर्गम क्षेत्र में हमारे सैनिक बहुत ही वीरता के साथ लड़े और दुश्मनों के दांत खट्टा किए, और आज हम लोग
उसी के आज के दिन में हम लोग वहां पे तिरंगा लहराया था, आज कारगिल युद्ध घोषित हुआ था उसी पे हम लोग यहां पे सर उनको श्रद्धांजलि करने, नमन करने, अब यह दिवस मनाने के लिए पहुंचे हुए। एक बड़े खास शख्स हैं जो शायद कारगिल युद्ध में, जो हमारी बात आपसे पहले भी हुई, आप रहे हैं, आपने देखा है, आपने उस चीज को अनुभव किया है, हम लोग तो कहानियों में सुनते हैं, आपने आंखों से देखा है, थोड़ा बता पाएंगे? पहले भी बताए थे उसमें कारगिल एक परोक्ष युद्ध था, घोषित युद्ध जैसा कि इन्होंने भाई ने बताया, और वो हमारे मतलब वो दौर याद आता है तो आज भी या तो जोश से भर जाता है या तो रोंगटे सिहर जाते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने उस टाइम जो झेला था, उस टाइम जो देखा था, कोई मैंने बिना तैयारी के हम तैयार करके और तैयार होकर के उस लड़ाई को जीते थे। वो बहुत ही कठिन पल था हमारे लिए, मार्मिक पल था, क्योंकि जितने भाई बंधु जो हमारे साथ, कई जिनके साथ उठे बैठे खाए पिए, उनको टुकड़ों में पैक भी किए, लेकिन गर्व की बात यही है कि हम लोग की जीत हासिल। बताया जाता है कि 99% पाकिस्तानियों ने मानकर चला था कि युद्ध हमारा ही है, हम NH1 को अपने कब्जे में कर लेंगे, डोमिनेट कर लेंगे, सियाचिन को काट देंगे, लद्दाख को काट देंगे, ये पूरा एरिया पर जो आपका जो आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो विंटर के सीजन में जाता है, जो सामान जाता है, उसको हम रोक देंगे, यानी कि फिर हम सियाचिन पर कब्जा कर लेंगे। इसके पीछे कहानी हम उस पर आएंगे, थोड़ा ये बताएंगे, ये जो 99% वो मान चुके थे और 1% जो गलती वो करके रखे थे कि वो भारतीय सेना से लड़ते थे। जी वही था, उन लोगों ने तो ये पूरा प्लानिंग था उनका, क्योंकि विंटर में जो समझौते के हिसाब से हम लोग नीचे आ गए थे और वो लोग नहीं आए, तो उसी टाइम अपना बंकर वगैरह पक्का बना करके रुक गए थे, लेकिन ये प्लानिंग था, लेकिन उसको कामयाब नहीं होने दिए हम लोग, हमारी सेना जो उसमें कामयाब नहीं होने दिए, वो बहुत हाइट पे बैठे थे, बटालिक तोलोलिंग जितने जो सब हाइट की पहाड़ियां थी, माइंस लगा के रखा था, माइंस लगा के, और जैसे हम लोग को तो कुछ दिन तक समझ ही में नहीं आया, अपने अपने पोस्टों पे जाने लगे और ऊपर से इजी टारगेट से मार देते थे। ये था कि वो बड़ी टुकड़ी के साथ नहीं आए थे, 2-4 करके आए थे ताकि वो सैटेलाइट की नजर में भी ना आए, और ये पहली बार चरवाहे ने देखा था और उसके बाद से ही ये सारी बातें हुई थी। और आपको बता दें इस बात को लेकर अक्सर कि भाई भारतीय जो जवान हैं वो इतनी इनकी गाथाएं क्यों हैं, इतने वीर क्यों हैं, क्या कहेंगे? कारण है ना सर, कारण है ना कि भारतीय सेना दुश्मनों को ना टोकती है ना रोकती है, सीधा ठोकती है। एक बार इसी बात पर एक बार जयकारा तो लगा की। और भी कुछ लोग, ये जब हम बातें कर रहे हैं गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, हम अपने देश के जवानों की बात करते हैं, कारगिल युद्ध की बात करते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले सर मैं बात करना चाह रहा हूँ इस कारगिल के विजय दिवस के मुख्य अवसर पर हमारा पूर्व सैनिक संगठन के मुख्य गेस्ट बुलाए हैं, और लेस नायक विद्यानंद सिंह सेना मेडल वीर चक्र, उनके पुत्र हैं रवि, तो आपसे गुजारिश है उनसे कुछ बात कीजिए। और कारगिल वार के समय मेरी उम्र उसमें रवि अभी आएंगे, अभी रवि जी ठीक है, हम बात कर लेंगे उनसे, कोई बात नहीं, अकेले में भी बात कर लेंगे। कारगिल युद्ध के समय मेरी उम्र लगभग 21 साल थी, उस समय कारगिल युद्ध 98 में मेरी पलटन कारगिल से आगे थी, खलसी ब्रिगेड वहां पड़ता है नुरला, मेरी पलटन वहां से हम लोग आए हुए थे। एक साल पहले युद्धाभ्यास हम लोग किए थे, हमारी पलटन है बिहार रेजिमेंट 14 बिहार, जो कि हमारे बिहार रेजिमेंट के फर्स्ट बिहार को लड़ाई लड़ने की मौका मिला, और उस एरिया में हम लोग ऑलरेडी युद्धाभ्यास कर चुके हैं। वहां क्या परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, क्या दिक्कतें आती है, बहुत ही टफ है। एक सैनिक का बटा लोड होता है 32.5 kg, 32.5 kg लेके उस पहाड़ी पे चढ़ना, उस पहाड़ी पे ऑपरेट करना, ऑपरेशन करना, हथियार अमुनिशन राशन आपका पूरा सामान के साथ, कितनी मुश्किलें आती है। एक तो बर्फ की हवा चल रहा है, भूख नहीं लगती है, पानी नहीं प्यास लगता है, पानी आप नहीं पी सकते हैं, बहुत ही कठिन परिस्थिति में वहां पे युद्धाभ्यास होता है। जब युद्ध लड़ी तो मेरी पलटन लखनऊ से रातों रात मूव हो गई सामा बॉर्डर के पास, अखनूर के पास, वहां टास्क मिला हमारी पलटन को कि जैसे ही लड़ाई की सिग्नल शुरू हो जाए हमें पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की गजरा सिटी के ऊपर कब्जा करना। हमारे फायर सपोर्ट के लिए आर्टी की यूनिट वहां पर थी, एक आर्टी होती है, आर्मर्ड होती है, आर्मर्ड को जो टैंक बोलते हैं वो मैदानी इलाके की लड़ाई में वो उसका वो हीरो होता है, वो क्या फायर सपोर्ट करती है और इन्फेंट्री आगे बढ़ती है,
तो लड़ाई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ही मतलब जितना डिफिकल्ट प्लानिंग किया होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकता है। कारगिल की बात है, अपने जो बोला 110% सही बोला कि उनका मतलब यही था कटअप करना, क्योंकि उनका जो भी पोस्ट है कारगिल का हम लोग देख चुके हैं, वहाँ पर ग्राउंड में हम रह चुके हैं, ऑपरेशन का लड़ाई से पहले कर चुके हैं, वहाँ उनकी हाइट है, हमेशा हाइट पे ही हो, हमारा डाउन है, वो हमारा पूरा ऑब्जर्व करता है, जितने हमारी गाड़ियाँ जाती है ऐसी सप्लाई की राशन अमेशन डंप जितने होता है ठंडी एरिया पहले जो होता है, उनका उनका काम यही था कि इनका कटअप कर देना, इनका मई जून में जो इनका जो सप्लाई जो लेह लद्दाख के लिए जो जाती है उसको कटअप कर देना, ताकि जो राशन सप्लाई अमेशन बंद हो जाए और कटअप करके उसको हम कब्जा कर ले। वो चाइना के साथ मिलकर सियाचिन जो टॉप पर बैठे थे उसको कट करना चाहते थे, क्या कहिएगा इस खास मौके? एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो हमारे वीर सैनिक जो है अपने वीरता का लोहा पूरे विश्व भर में लगातार मनवाते आ रहे हैं, और ये वो वीर शहीद है जिन्होंने कभी भी अपने पीठ पर गोलियां नहीं खाई, जब भी गोलियां खाई तो अपने देश के लिए छाती पर गोलियां खाई, और देश के लिए लगातार हम लोगों के लिए उस बॉर्डर पर डटे रहते हैं और दुश्मनों के दांत खट्टे करते रहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सेनाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए, और जहां भी ऐसे ऐसे जैसे कारगिल पॉइंट है, यहां पर शहीद स्मारक है, जितने भी शहीद स्मारक है, आप जब भी वहां से गुजरिए तो एक बार सर झुका करके नमन कीजिए, और आपसे अगर बन पड़े तो वहां के लिए साफ सफाई और वहां के बेहतर के लिए आप पहल जरूर कीजिए। आप सर बचे हुए, सर मतलब आप बचे हुए तो ऐसा आप बताइए कारगिल के बारे में जो किसी ने नहीं सुना। सर मैं अफसोस करता हूँ, मेरी रेजिमेंट उस समय जम्मू में थी लेकिन मैं जम्मू में नहीं था, मैं कोर्स में गोवा गया था। तो एक है इस बात का कि हम अफसोस ये रह गया कि हम कारगिल युद्ध में। देखिए हम रोकेंगे, यही है देश के जवान जो जज्बा रखते हैं और जो बातें कहते हैं ना, आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। इसलिए तो पाकिस्तानियों ने 1% की जो गलती की थी और इसकी वजह से आज पूरे विश्व में उसकी थुथू होती है। परवेज मुशर्रफ थे उस वक्त उनके आर्मी चीफ, उनको लगा था कि जो हम रणनीति तय कर रहे हैं उस रणनीति के तहत हम भारत को डिस्टर्ब कर देंगे, और वो कारगिल हुआ था। हाँ सर बताइए। सर हमारी कई बार मूवमेंट ऑर्डर बनी, मूवमेंट ऑर्डर वही होता है एक जगह से दूसरे जगह वहां पे वापस जाने के, अपनी अरेंजमेंट वापस जाने के, लेकिन 2-3 बार मूवमेंट ऑर्डर कैंसिल हो गया। हम ही हमारी जो स्क्वाड थी, जो 30 का स्क्वाड जो ट्रेनिंग करते हैं, तो वही रह गए थे, बाकी सारे के सारे अपने अपने यूनिटों में रिटर्न हो गए थे, वो सभी युद्ध में भाग ले लिए। एक हमारा ही स्क्वाड रह गया था उस ट्रेनिंग सेंटर को लुक अफ्टर करने के लिए, हम रह गए। तो आज भी हमको अफसोस है कि उस कारगिल युद्ध में नहीं रहा, टीवी में देखता था, खून खौल जाता था, लगता था कि वहीं से पाकिस्तान ने क्या बोलते हैं कि पीठ पे छुरा मारना है, हाँ वही करते आया, वही किया था। सर मैं आज के दिन में यही बताना चाहूंगा कि यहाँ देख ही रहे हैं कि जितना भी लोग हैं वो पूर्व सैनिक है, संगठन वाले मतलब समाज सेवी वगैरह वगैरह है, तो आज का दिन बोले। देखिए कारगिल के बारे में तो लगभग सब कुछ बयान कर चुके हैं, मैं यही कहूंगा कि जहां तक देश की बात है या देश के तिरंगे की बात है, तो फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, चाइना के नापाक इरादे हो, हमारी सेना उनके इरादों को, उनके नाकाम जो इरादों को कुचलने और मसलने की ताकत रखती है, और नस्व नाबूद कर देने की ताकत हमारी सेना के अंदर है, और वो जज्बा और जुनून हमारे देश के सेना के अंदर है। और इसी के साथ मैं अपने भारत माता की जयकारा लगाता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा एक शब्द हम बोलने बोलेंगे आपको, तिरंगा हम बोलेंगे, जो अपने दिल में है वो रखिएगा, सिर्फ तिरंगा के लिए एक शब्द बोल दीजिएगा, तिरंगा। तिरंगा क्या बोलेगा उसके लिए, क्या अच्छा तिरंगा बोलेंगे तो क्या? तिरंगा, तिरंगा का नाम सुनते ही सबसे पहले तो उसका केसरी रंग हमारे खून को जज्बों से और अंगारों से भर देता है। ज्यादा लंबा नहीं सर, तिरंगा। तिरंगा देश का शान है सर, तिरंगा देश हमारी आन है और शान है, तिरंगा। भारत माता की जय, तिरंगा। भारत की आन बान और शान, तिरंगा मेरी जान, तिरंगा। तिरंगा आन बान और शान और मेरी जान, भारत माता की जय, तिरंगा। तिरंगा भारत की शान है, तिरंगा। आन बान शान और हमारी जान, तिरंगा। तिरंगा हमारा है तो भारत हमारा है, तिरंगा। तिरंगा भारत की शान है, सोच के रखिएगा हम पहुंच रहे हैं आपके। तिरंगा सर, तिरंगे के लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, तिरंगा। तिरंगा के लिए पहले भी उसका मान सम्मान के लिए कार्य करते थे और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, तिरंगा।
तिरंगा, तिरंगा के लिए खून की बलिदान भी चल जाए तो भी हम हंसते हुए दे देंगे, ये हमारे देश के लिए शान है। तिरंगा आजादी का प्रतीक है और तिरंगा के लिए मर मिटने के लिए सब लोग तैयार। आप बचे हैं सर, आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं। तिरंगा, तिरंगा हम मर जाएं, तिरंगा का शान हमेशा खड़ा रहे, उसके पे बात ना आए। तिरंगा, तिरंगा हमारा स्वाभिमान है। तिरंगा, तिरंगा के आगे हम कुछ भी नहीं है, तिरंगा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब मेरी बारी है। तिरंगा के लिए देश जीता है, कम से कम वो सैनिक जीते हैं और वो सैनिक मरते हैं जो सरहदों पर होते हैं। तिरंगे के लिए ही जीते हैं और जब वो शहीद होते हैं तो तिरंगे में लिपट कर आते हैं और उसी के लिए पूरा देश नमन करता है। और जब शहीद की बात होती है तो अफसोस इस बात की होती है कि सिर्फ बात होती है, नहीं तो बहुत सारी बातें थी जिसको लेकर हम लगातार खबरें कर रहे थे। हम इनके साथ अलग से कर लेंगे, अलग से कर लेंगे, अलग से कर लेंगे। बने रहिएगा, हम फिर आएंगे और एक खास तस्वीर को लेकर आएंगे। और बाकी आज कारगिल विजय दिवस है, इस मौके पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। घर बैठे सिर्फ देखिएगा नहीं, क्योंकि देश के जवान की बात कर रहे हैं, उन वीर शहीदों की बात कर रहे हैं, सूरवीरों की बात कर रहे हैं। उनकी शौर्य गाथा का दिन है, श्रद्धांजलि देने का दिन है और आज हम वहीं खड़े हैं हजारीबाग के शहीद स्मारक में। एक बार भारत माता के वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आपका आवाज बहुत कड़क है, बोलिए एक बार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करगिल शहीद, करगिल शहीद, करगिल शहीद। आपका कितना कड़क है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपका कितना कड़क है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सभी कड़क हैं सर, सिविलियन का देख लेते हैं। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और भी कोई कड़क आवाज वाले हैं? छूटना नहीं चाहिए आपका हाथ में है, आपका कसर रह गया था, आज कसर निकाल दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आज कारगिल इस विजय दिवस के मौके पर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देना नहीं भूलिएगा, जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। मैं कुणाल सिंह मिलूंगा।